भगवान पर भरोसा नहीं करते तो ये कहानी एक बार ज़रूर सुने। एक बार की बात है, एक आदमी ऑफिस से घर जा रहा था कि तभी कुछ सब्जी के ठेले दिखे तो उसने सोचा कुछ सब्जियां घर लेता चलूं। एक सब्जी के ठेले पर जाता है और सब्जी वाले को ढूंढने लगता है, क्योंकि उस ठेले पे सब्जी तो थी पर कोई सब्जी वाला नहीं था। वो बस जाने ही वाला होता है कि उसकी नज़र उस बोर्ड पर जाती है जो इस सब्जी वाले ने अपनी ठेले पर लगाई थी। उस पर लिखा था कि मेरे जितने भी ग्राहक आए हैं, अगर किसी को कोई सब्जी लेनी है तो दाम इस चिट्ठी के नीचे लिखी हुई है, आप समझ कर दे देना और सब्जी खुद तौल कर लेते जाना। दरअसल मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं और मेरे घर में उनकी देखरेख करने वाला मेरे अलावा कोई और नहीं है, तो मुझे उन्हें देखने बार बार जाना पड़ता है। पिताजी बूढ़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे गैर मौजूदगी में उन्हें कुछ हो जाए, इसीलिए आप आओ सब्जी लो और पैसे दे दो, या नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कभी दे देना। वो आदमी आश्चर्य से भर गया, उसे लगा आज के ज़माने में कोई इतना भरोसा कैसे कर सकता है। लेकिन उसे देर हो रही थी तो उसने सब्जी ली और जब पैसे रखने लगा तो देखा कि हाँ, सच में लोग पैसे तो रख कर जाते हैं, तो उसने भी अपने पैसे रखे और चला गया। एक दिन ऐसे ही शाम का वक्त था और हर दिन की तरह ऑफिस से घर जा रहा था वो आदमी। तभी उसने उस ठेले वाले को देखा कि वो अपना ठेला लेकर घर जा रहा था। उसने उससे बात करनी चाही और अपनी गाड़ी साइड में लगाकर बात की। उसने पूछा कि आप अपना ठेला इतने भरोसे के साथ लगाकर छोड़ देते हैं, कभी टेंशन नहीं होती कि कोई पैसे नहीं देगा तो? उस ठेले वाले ने कहा कि नहीं साहब, मेरे माता पिता भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं और मैं अपने माता पिता पर। उन्होंने कहा कि तू जाकर रख दे, भगवान पर भरोसा कर, तेरे साथ कभी धोखा नहीं होगा। और तब से मैं आज तक यहीं करता हूँ, मैं बीच में कभी देखने तक नहीं जाता और पैसे तो कभी कम नहीं हुए, कभी कभार ज़्यादा ही रहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।